आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ जापान में ही संभव हो सकती हैं। नंबर वन, जापान के लोग समय के बहुत पाबंद हैं और वहां पर ट्रेन भी 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती, और हमारे यहां का हाल तो आप सबको ही पता है। नंबर टू, जापान में स्कूलों और कॉलेजों में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होता, वहां पर स्टूडेंट्स और टीचर्स को खुद ही सफाई करने का काम करना पड़ता है। नंबर थ्री, स्टूडेंट से जुड़ी एक और बात जान लीजिए कि 10 साल की उम्र तक जापान के बच्चों को कोई भी एग्जाम्स यानी परीक्षा नहीं देनी पड़ती। नंबर फोर, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि चोरी नाम की चीज जापान में है ही नहीं, इसीलिए लोग सोचते भी नहीं है कि उनका कुछ चोरी होगा, और जापान में स्टोर्स पर लेन देन का काम वेंडिंग मशीन से ही हो जाता है, मालिक दुकान पर कम ही नजर आते हैं, लेकिन ये चीज हमारे देश में या फिर किसी और देश में होना असंभव लगता है। नंबर फाइव, दोस्तों जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन या फिर बस में अगर गलती से भी आपने फोन का इस्तेमाल किया तो आपको फाइन देना पड़ता है, और हमारे यहाँ तो पता नहीं लोग बस में बैठकर क्या क्या देखते रहते हैं। नंबर सिक्स, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जापानी भाषा को दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। अरे भैया, ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आई। नंबर सेवन, जापान के लोगों को रात 12 बजे के बाद नाचना गैर कानूनी है, अगर वो ऐसा करते पाए गए तो उन्हें जेल तक भी हो सकती है। नंबर एट, जापानी लोग बहुत ज्यादा अनुशासन में रहते हैं और कतारों यानी कि लाइनों का खूब सम्मान करते हैं, और हमारे यहाँ तो भैया जहाँ पर हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। नंबर नाइन, जापान में लोग पैसों को बहुत कम छूते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि पता नहीं नोट को किस किसने और कैसे कैसे छुआ होगा, इसीलिए जापान में ज्यादातर वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर टेन, दोस्तों जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु बम का शिकार हुआ था। नंबर इलेवन, दोस्तों जापान के ट्रैफिक नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने साइकिल भी गलत पार्क कर दी तो आपका चालान हो सकता है। नंबर 12, दोस्तों जापान में भारत की तरह अखबार में फिल्मी मसाले, राजनीतिक विवाद जैसी फालतू खबरें नहीं छपती, बल्कि सिर्फ आधुनिक जानकारी और आवश्यक जानकारी ही छपती है। नंबर 13, दोस्तों जापान में 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए जापान साक्षरता दर के मामले में नंबर 1 पर है। नंबर 14, जापान में 90% से भी ज्यादा मोबाइल वाटरप्रूफ होते हैं क्योंकि यहाँ लोग नहाते वक्त भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 15, मुसलमानों को जापान में नागरिकता नहीं दी जाती, दोस्तों मुसलमानों को नागरिकता ना देने वाला जापान पहला देश है। दोस्तों ये थी जापान की कुछ विशेष बातें, और दोस्तों जो जापान या फिर और देशों की जो अच्छी चीजें हैं वो हमें भी सीख लेनी चाहिए ताकि हमारा भारत और भी तरक्की कर सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।